मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी और इस फैसले के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है। इस वक्त फिरायलाल चौक के समक्ष मैं मौजूद हूं, आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता इस वक्त जश्न मनाते हुए नजर आ रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। देखिए, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता ये प्रयास कर रहे थे कि राहुल गांधी जी की बुलंद आवाज को कुंद कर दिया जाए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ये बताता है कि सत्य की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है और सच पूछिए तो पूरे देश की जनता की जीत हुई है। जिस जनता की आवाज को वो बुलंद करते थे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते थे और लोग उनके पीछे थे, उन तमाम लोगों को राहत देने का काम हुआ है। पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया आज जश्न मना रहा है और हम ये कह सकते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और आदरणीय राहुल गांधी गांधी हैं, सावरकर नहीं, इसलिए हम आज उनके इस फैसले के लिए आज हम सब लोग जश्न मना रहे हैं। नहीं, देखिए देखिए, तमाम ऐसे लोग जो फर्जी लोग हैं, जो जिसने मुकदमा किया था वो मोदी बाद में टाइटल में लगा लिया, ऐसे लोगों को, फर्जी लोगों को शिकस्त देने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी और हम लोगों ने किया है। सुन रहे थे राजेश ठाकुर को, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। कई और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस की महिला अध्यक्ष गुंजन जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे कि गुंजन जी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है राहुल गांधी को, क्या कुछ कहिएगा, किस रूप में ले रही है? देखिए, आज जो हमारे माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, ये साबित कर दिया गया है कि देश को जरूरत है ऐसे सच्ची आवाज, देश हित में जो आवाज को बुलंद करे ऐसे निर्भीक और निडर नेता की। तो आज सत्य की जीत हुई है और असत्य पराजित हुआ है। निश्चित रूप से सत्य को आप परेशान कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते हैं। हमें खुशी है कि अब जनता के हित में और जनता के लोगों के लिए सदन में आवाज बनकर जिस तरह से हमेशा राहुल गांधी ने आवाज बुलंद किया है, अब आवाज को बुलंद करेंगे। और ये कार्यकर्ता लड़ाई लड़ते रहा था कि हमारे नेता सच्चाई की राह पे हैं लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे भाजपा के नेता। मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उन लोगों के लिए करारी जवाब है जो लोग सत्ता सुख के लिए गलत इरादों को, मंसूबों को अंजाम देते हैं और आज जनता ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को नकारा है। पर हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि फिरायलाल के समक्ष कांग्रेसी कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि लोकतंत्र की जीत हुई है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि आज तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता खुश है और आज कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है वो एक दूसरे को लड्डू खिलाकर आज का दिन जो है वो बेहतर और अच्छा बनाएंगे। हमने राजेश ठाकुर के साथ साथ गुंजन जी से भी बातचीत की, उनका क्या कहना है आपने सुना। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी कौशल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची।